Problem 3. On 1st January 2017, the balances of M/S/Hahn-Rose are as follows. ये हमें बैलेंस दिए हुए हैं एसेट्स और लायबिलिटीज की, ठीक है। अभी आपको गिवन है, सबसे पहले आपने इनको प्लॉट करना है, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन जैसे हम लिखते हैं बना के, ठीक है। उसके बाद नीचे ट्रांजैक्शन दी हुई है, ठीक है, आपने बनाना क्या है, ट्रांजैक्शन का इफेक्ट बताना है अकाउंटिंग इक्वेशन पे। तो सबसे पहले ये जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है एसेट्स लायबिलिटीज, इसको आप लोग लिखें सबसे पहले। जैसे हम लोग लिखते हैं एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। कैश कितना है 50,000। उसके बाद क्या है आपके पास डेटर ऑफ गुड्स, कितने हैं डेटर ऑफ गुड्स आपके पास 34,000। उसके बाद आपके पास क्या गिवन है स्टॉक ऑफ गुड्स, कितना जी स्टॉक ऑफ गुड्स 44,000। फिर बिल्डिंग आपके पास 140,000। उसके बाद लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी साइड पे आ जाए, क्रेडिटर्स ने हमारे पास 80,000। ये जो डेटर ऑफ गुड्स है ना, ये आपने गुड्स क्रेडिट पे सेल की, ठीक है। तो जिनको आप क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं वो हमारे क्या होते हैं डेटर, जिनसे आपसे पैसे लेने होते हैं। तो ये लिखा हुआ डेटर ऑफ गुड्स, यानी कि आपने इनको गुड्स क्रेडिट पे सेल की, ठीक है, इनसे आपने पैसे लेने हैं। कैपिटल कितना जी 188,000। अब हमारा टोटल अभी कंप्लीट है, एसेट साइड का जितना टोटल है उतना ही लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी का टोटल है हमारे पास, ठीक है। अब हम ट्रांजैक्शन का इफेक्ट करते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश 8,000 subject to trade discount 10%। आपने goods purchase की हैं cash पे, trade discount कितना है 10%। trade discount की मैंने बताया था entry book में show नहीं होती, ये ना ही तो expense है और ना ही income है, ठीक है। अब हम trade discount निकालते हैं, सबसे पहले 8,000 amount है goods जो आपने purchase की हैं cash पे, 10% rate है, 8,000 पे 10% जब आप apply करेंगे तो ये आएगा 800, ठीक है। कैसे apply करेंगे, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, तो इसको आप सॉल्व करेंगे आएगा 800, ठीक है। अब आपने 8,000 में से माइनस करना है 800, तो आ जाएगा आपके पास 7,200। आपने गुड्स कितने की परचेज की हैं 7,200 की, ठीक है। तो कैश आपने पे किया है 7,200, सबसे पहले आप कैश में से कम करें 7,200, गुड्स में आप ऐड करें, स्टॉक ऑफ गुड्स में ऐड करेंगे आप कितना 7,200। ट्रेड डिस्काउंट मैंने आपको पता चल गया कैसे निकाला, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक में शो नहीं होती, ये ना ही एक्सपेंस होता है ना ही इनकम। ये हो गया एंट्री, गुड्स में आपने ऐड कर दिया स्टॉक ऑफ गुड्स में, कैश में से आपने माइनस कर दिया। उसके बाद है जी सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 24,000। आपने गुड्स सेल किए हैं सॉरी कैश में, कैश कितना सेव किया आपने 24,000, कैश में आप ऐड कर दें 24,000। गुड्स की कॉस्टिंग कितना है 21,000। आपने 21,000 की गुड्स 24,000 रुपए में सेल की है, ठीक हो गया। तो कैश में ऐड करें आप 24,000, जितना आपने कैश रिसीव किया, गुड्स कितने की काम करेंगे आप 21,000 कॉस्टिंग थी, 21,000 की गुड्स आपने 24,000 में सेल की, ठीक है। गुड्स में से काम कर दिया 21,000, 3,000 प्रॉफिट है, प्रॉफिट किसमें ऐड होगा कैपिटल, ठीक है, इसको कैपिटल में ऐड करें आप 3,000। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश पेड टू क्रेडिटर्स, आपने क्रेडिटर्स को कैश पे कर दिया, ठीक है। कैश में से कम करेंगे आप कितना 50,000 कैश पे किया आपने क्रेडिटर्स को। और लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर कैश जब पे कर दिए तो आप क्रेडिटर में से भी कम करेंगे, कितना जी 50,000 पे कर दिया। उसके बाद है जी सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000। आपने गुड्स सेल किए कैश पे 10,000 की, एंड एज ए क्रेडिट बेसिस 6,000 और क्रेडिट पे 6,000 की, टोटल गुड्स आपने कितने की सेल की हैं 16,000 रुपए की, जिसमें से कैश आपने रिसीव कर लिया 10,000, 6,000 भी आपने रिसीव करना है अकाउंट रिसीव, ठीक है। कॉस्टिंग रुपीज 10,000, गुड्स की कॉस्टिंग कितनी है 12,000,
सबसे पहले हम गुड्स में से कम करें, गुड्स कितने की सेल की आपने 12,000 की गुड्स, तो 12,000 स्टॉक को गुड्स में से कम करें हम, ठीक है, 12,000 की गुड्स आपने सेल कर दी, कितने की 10,000 कैश पे, कैश में ऐड करें 10,000, ठीक है, और मजीद आपने रिसीव कितना करना है 6,000 की क्रेडिट पे, तो वो आ जाएगा जो आपने क्रेडिट पे सेल की है डेटर ऑफ गुड्स में, जिनसे आप आपने पैसे लेने होते हैं 6,000 की, आपने जिनको क्रेडिट पे सेल की है उधार पे, आपने उनसे पैसे ले लिए, वो हमारे क्या है अकाउंट रिसीवेबल यानी कि डेटर्स, तो आप ही ऐड करेंगे डेटर ऑफ गुड्स में, कितना डेटर ऑफ गुड्स में आ जाएगा, ठीक है 6,000, अब आप गौर से देखें आपने 12,000 की गुड्स कितने में सेल की है 16,000, 10,000 कैश रिसीव कर लिया वो ऐड कर दिया, जितना रिसीव करना है वो डेटर ऑफ गुड्स में ऐड कर दिया, इन दोनों का डिफरेंस कितना है जी 4,000 क्या है प्रॉफिट, 12,000 की गुड्स 16,000 में सेल की है, तो प्रॉफिट आप किस में ऐड करते हैं कैपिटल, कैपिटल में ऐड करते हैं आप कितना 4,000, ठीक हो गया। उसके बाद गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर रुपीज 4,000, कस्टमर ने आपको 4,000 रुपए की गुड्स वापस की है, ये सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर भी हम इसको बोलते हैं। कॉस्टिंग कितनी है गुड्स की 3,800, अब 3,800 की गुड्स हैं आपको कस्टमर ने वापस कर दिया, सॉरी 4,000 की कॉस्ट गुड्स की 3,800 है, तो सबसे पहले गुड्स में आप ऐड करें कितना 3,800, ठीक है, कस्टमर को आप कितने से काम करेंगे 4,000 से, तो 4,000 माइनस कर लिया डेटर ऑफ गुड्स में से, कस्टमर ने ये पार्ट आप दोबारा देख लें, कस्टमर ने आपको 4,000 की गुड्स वापस की है, तो आप डेटर्स को 4,000 से क्या करेंगे कम करेंगे, ठीक है, गुड्स की कॉस्टिंग कितनी है 3,800, तो आप गुड्स में कितना ऐड करेंगे 3,800, यानी कि आपके पास 3,800 की गुड्स वापिस आनी है, लेकिन डेटर आप कितने का डिक्रीज करेंगे 4,000 से, क्योंकि गुड्स की वैल्यू 4,000 है, आपने सेल करते वक्त ऑब्वियसली ज्यादा पे सेल की होगी, ठीक है, तो अब वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 4,000 की गुड्स वापस की है लेकिन गुड्स की कॉस्टिंग कितनी है 38,000, तो 200 आपका क्या है लॉस, वो आप इसमें से माइनस करेंगे कैपिटल में। उसके बाद जी कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 28,000, कैश रिसीव कर लिया आपने डेटर से 28,000, कैश में ऐड करें 28,000 सिंपल, और डेटर में से आप कम करें कितना 28,000, क्योंकि आपने कैश रिसीव कर लिया जब डेटर से, तो फिर आप डेटर को भी क्या करेंगे कम करें, डेटर में से माइनस कर दें 28,000। उसके बाद कैश पेड फॉर फर्नीचर परचेज फॉर ओनर डोमेस्टिक यूज, कैश आपने पे किया है ओनर के लिए फर्नीचर परचेज किया, लेकिन ये ओनर का पर्सनल यूज है, ये ड्राइंग्स है, एक तो आप इसको कम करेंगे कैश में से कितना 2,000, अब ये फर्नीचर आपका एसेट नहीं है क्योंकि ये फर्नीचर बिजनेस यूज के लिए आपने परचेज नहीं किया, ओनर के पर्सनल यूज के लिए, तो ये ड्राइंग्स है, बिजनेस का एक्सपेंस है, एक तो आप कैश में से माइनस करेंगे, दूसरा आप इसको माइनस करेंगे कैपिटल में से, कितना आ गया 2,000, एक्सपेंस है लॉस है तो कैपिटल में से क्या करते हैं माइनस, ठीक है। उसके बाद जी डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग फॉर रुपीज 2,800, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन हो गई, वैसे बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन तो नहीं होती लेकिन ये स्ट्रक्चर वाइज आपको बता रहा है कि स्ट्रक्चर ज़्यादा पुराना हो गया डेप्रिसिएशन होगी, डेप्रिसिएशन क्या होती है कि वक्त गुजरने के साथ साथ जब आप एसेट को यूज करते हैं तो एसेट की वैल्यू क्या होती है कम होती है, लेट अस सपोज अगर आपने ये डेप्रिसिएशन का एक चैप्टर हम आगे जाके फर्दर पढ़ेंगे लेकिन हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, लेट अस सपोज अगर आपने एक बाइक परचेज या कोई मशीनरी परचेज किया तो जब आप उसको यूज करना शुरू करेंगे तो कुछ अर्से के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी कम होगी, जब आप उसको सेल करने जाएंगे तो जितनी वैल्यू उसकी कम होती है वो क्या होती है डेप्रिसिएशन, लेट अस सपोज आपने 50,000 की मशीनरी खरीदी, साल बाद आपने उसकी वैल्यू सेल करने के लिए गए तो 30,000 रुपये उसकी सेल वैल्यू लगी, तो 20,000 रुपया क्या है उसकी डेप्रिसिएशन, ये एक्सपेंस होता है, ठीक है लॉस होता है, तो आप एक तो इसको बिल्डिंग में से करेंगे माइनस कितना 2,800, दूसरा एक्सपेंस है ये इसमें से माइनस करेंगे कैपिटल ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि पे टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल पे किया कैश, कैश में से कम करेंगे, दूसरा कैपिटल में से कम करेंगे क्योंकि ये एक्सपेंस है,
कैश में से कितना कम करेंगे 1200 और कैपिटल में से कितना माइनस करेंगे 1200 एक्सपेंस और लोन्स होंगे ठीक है। उसके बाद पेड सैलरी सर्विस पे किया आपने कैश में, कैश में से कम करेंगे एक्सपेंस है दूसरा कैपिटल में से माइनस करेंगे कैश में से 6000 और दूसरा कैपिटल में से माइनस करेंगे 6000। अब हम इनको एडलेस करके इनका टोटल फाइनली निकाल लेते हैं कि इनका टोटल कितना आएगा। कैश से इनका टोटल करें आप एडलेस करें कैलकुलेटर तो ये आ जाएगा कि आपके पास 45,600 डेटर और पुट्स का टोटल क्या आएगा आपके पास 8,000 रिमेनिंग बचेगा ठीक है। स्टॉक ऑफ पुट्स का टोटल कितना बचेगा कि आपके पास 22,000 ठीक है। बिल्डिंग का कितना टोटल बचा कि आपके पास 137,200। अब एसेट्स एंड का इन चारों एसेट्स का आप टोटल करें तो ये कितना टोटल आएगा आपके पास 212,800 ये है हमारी एसेट साइड का टोटल। ये किसके इक्वल आना चाहिए लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। लायबिलिटी साइड का टोटल करें आप 80,000 माइनस 50,000 ये आ गया कि 30,000। कैपिटल साइड का टोटल करें एडलेस करें आप कितना आएगा जी 182,800 इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी 212,800 ठीक है। आप लोग इसको करके देख लें इसको आप लोग नोट करें।